तो इसलिए बड़ी कृपा हो रही है ठाकुर जी के देश में, ये समय है प्रचार का, संकीर्तन का। खूब प्रचार करें, खूब संकीर्तन करें, हृदय से करें, सफलता मिले या ना मिले, कर्मण्य वाटिका रस्ते महा फलेषु कदाचन। हमें अधिकार केवल सेवा का मिला है, फल का कोई अधिकार नहीं है। हम भगवान ने कोई अधिकार नहीं दिया आपको फल के लिए, फल देने वाले भगवान है। वो फल मीठा भी दे सकते हैं, वो खट्टा भी दे सकते हैं, इसलिए भगवान है, उनकी इच्छा है, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि फल खट्टा क्यों दिया, फल दे दिया ले लो, आप दास हो। हमारी औकात क्या है, हम दास है, तो दास को कोई अधिकार नहीं होता है पूछने का, ये खट्टा क्यों है मीठा क्यों है। जानते ना पुराने जमाने में प्राचीन समय में जो राजा महाराजाओं की दास दासियां होती थी, जो उनको दे दिया जाता वो खाना पड़ेगा लेना पड़ेगा। वो पूछ रहे थे कपड़ा क्यों ऐसा है, हमें यहाँ सोने की जगह ठीक से नहीं मिली है, या ये जो है प्रसाद ठीक नहीं है, ये खाना ठीक नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई तर्क नहीं है, जो दिया जाएगा उसको स्वीकार करना होगा। इसी तरह से हमारी हालत बिल्कुल वैसे ही, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्या है, प्रेम और श्रद्धा का संबंध है वैष्णव से, गुरु से, भगवान से, इस कारण थोड़े बचे हुए हैं। उसका हम लोग लाभ उठाए, उसको मिसयूज ना करें, उस कृपा का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने बड़ा अच्छा गंभीर आवाज में बताया, उन्होंने गंभीरता से बोले हुए कि कृष्ण भावना जो है किसी के लिए इंतजार नहीं कर सकती है कि सरकार बदलेगा और राजनीति बदलेगी, राजनेता बदलेंगे तब हम प्रचार शुरू करेंगे, तब हम बाहर जाएंगे, समाज की परिस्थिति ठीक हो जाएगी। हम नपुंसक हैं क्या, बताइए। एक किसी वैष्णव ने बड़ा अच्छा बताया कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है, जो नित्य परिकर है, एक एक गौड़िया वैष्णव में इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है वो। और प्रभुपाद जी के भक्तों में है, प्रभुपाद जी के जो अनुचर है, उनके जो अनुयायी है, उनमें शक्ति है, आप सब में शक्ति है, माने ना माने आप आजमा के देख लीजिए आप। श्रील प्रभुपाद जी आपके साथ में, आपके साथ श्रील प्रभुपाद जी है, आप साधारण लोग नहीं है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे थे, उनको याद दिलाना पड़ा। इसी तरह से हम भी आपको याद दिला रहे हैं कि जागिए, ग्रंथों को लेकर जाइए बाहर। ये मौका मिला आपको, अवसर दे रहे प्रभुपाद, कृपा आपको मिलेगी, बहुत कृपा मिलेगी, ये अवसर, ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा।